यकीनन ये तारीखी लम्हा हम सबके लिए यादगार रहेगा। जनाब अब्दुल रहमान अंकुले साहब ने अपनी सियासी व समाजी मसरूफियात के दौरान अपनी मंगेतर नरगिस अंकुले को जो खतूत लिखे थे, वो निजी जज्बात व एहसास के साथ साथ मुल्की व आलमी हालात पर तफसीरें, समाजी व सियासी मौजूआत पर गहरी नजर और अहम मालूमात के शहपारे हैं। इन खतूत के मजमूए बनाम नरगिस बकलम ए आर अंकुले की शक्ल में मुरतब करने का काम उनकी साहबजादी नीलम मुश्ताक अंकुले साहिबा ने किया। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिसेस नीलम मुश्ताक अंकुले टू इंट्रोड्यूस द बुक बनाम नरगिस बकलम ए आर अंकुले। Honorable Chief Minister Shri Yojanji Thakur Saab, Honorable President of Nationalist Congress Party and Honorable Leader Shri Sheikh Saab, Honorable Leader of the Opposition Rajya Sabha Janab Gulam Nabi Azad Saab, Legendary Writer and Poet Jawed Akhtar Saab, President of Panchayat Islam डॉक्टर जहीद कादी साहब, स्टेज पर मौजूद सारे मौजूद मेहमान, मेरी प्यारी मम्मी नरगिस अंकुले साहिबा और यहाँ मौजूद तमाम खवातीन हजरात की खिदमत मेरा आदा। सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने बेपनाह बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर इसे यादगार फरमाया। जब मैंने इज्जत नाथ श्री शर्मा साहब से इस तकरीब में आने की दरख्वास्त की तो आपने अपनी तमाम मसरूफियात को नज़रअंदाज करते हुए इस प्रोग्राम के लिए हामी भरी। मैं उनकी तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब से जब इस किताब के बारे में बताया और इस प्रोग्राम में शरीक होने की दरख्वास्त की तो आपने बेपनाह अपनाइयत और शफकत से शिरकत की हामी भरी। मैं उनकी भी पहले से ममनून हूँ। मैं मशहूर शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर साहब की भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके तासरात इस किताब की जीनत बने और हमारी दावत को कबूल करके उन्होंने इस की रहमत रहे। डॉक्टर जहीद काजी साहब मेरे तमाम फ्रेंड्स और मेरे वाले महत्म से मोहब्बत करने वाले तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँ, इसलिए कि कभी जो ख्वाब मैंने देखा था आज उस ख्वाब को अल्लाह फसल करम से मेरा होता हुआ देख रही। जहाँ तक बात इस किताब की है तो अपने वालिद मोहतरम के लेटर्स का इंतखाब करना और उनको किताबी शक्ल में तरतीब देना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इससे पहले एक काम ऐसा भी था जो मेरे लिए और भी ज़्यादा निशान और ये कि मैं अपनी मम्मी को इस बात के लिए राज़ी करूँ और उनसे खुशूत हासिल करूँ। मैंने उनसे कहा कि ये लेटर्स वादी की ज़िंदगी का वो राशन पहलू है जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए। एक पॉलिटिशियन की अवामी मसरूफियात को सभी जानते हैं, लेकिन उसके दिल के जज्बात और एहसास से बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। उसके सियासी उतार चढ़ाव पर तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके दीगर इंसानी पहलुओं बहुत कम लोगों की नजर जाती है। मेरे वालिद मरहूम के ये लेटर्स उनकी ज़िंदगी के चंद ऐसे बेहतरीन पहलुओं को उजागर करते हैं। बहरहाल किसी तरह मम्मी ने अपनी सारी झिझक को अलग करते हुए खुतूत मेरे हवाले कर दिए जिसके लिए मैं उनकी एहसानमंद हूँ। यहाँ मैं इस किताब में शामिल एक खत का एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगी। ये खत 1958 में उस वक्त लिखा था जब वो AICC के लिए इलेक्ट हुए थे। खत कुछ यूँ है, अजीज सरीन नरगिस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए मुंतखब हुआ हूँ, मुताबिक तार खतूत मुबारकबाद के मरसूम हैं। हत्ता के दिल्ली से पंडित जी की साहबजादी मिसेज इंदिरा गांधी का भी तहलियत नामा कल मिला, लेकिन जिस हद का बेहद इश्तियाक वो न मिला
और तुम जानती हो वो किसका खत होगा कि जिसके आने से मुझ में नई जिंदगी आ जाती है। वल्लाह सारी दुनिया से तन्हा मुकाबला करने का हौसला रखता हूँ, बशर्ते कि तुम मेरा साथ दो। क्या बताओ, मेरा दिल भी अजीब है, दूसरों के तीर भी खा सकता है और ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकता है, पर नहीं बर्दाश्त कर सकता तो तुम्हारी खामोशी। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस किताब में शामिल हर खत पढ़ने के साथ साथ महसूस करने से ताल्लुक रखता है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इन लेटर्स को पढ़ने के बाद आप मेरे इस ख्याल से इत्तेफाक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।